हेलो फ्रेंड्स, मैं उनिसा, आपका फिर से स्वागत है मेरे निशा किचन चैनल में। आज मैं इन गोलों का बुरादा बनाकर बताऊंगी आपको इनको कैसे बनाया जाता है। सिर्फ 2 मिनट में मिक्सी में बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने 2 नारियल लिए हैं, सूखे नारियल भी बोल सकते हैं आप इनको, सूखे गोले भी बोल सकते हैं। तो मैं मार्केट जैसा सेम बिल्कुल आपको बुरादा बनाना बताऊँगी, मार्केट से भी अच्छा वर्क टेस्ट में। तो जब भाई दूज वगैरह होती है तो हमारे घर बहुत सारे गोले इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इनको ऐसे ही रखे रहने देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं और हमको फेंकने भी पड़ते हैं। यदि हम इनका बुरादा बना कर रख लेते हैं वो 1 साल से भी अधिक तक ख़राब नहीं होते हैं। उसको कैसे स्टोर किया जाता है बुरादे को, इसके साथ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। आप वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, एंड तक देखें और ध्यान से देखें। गोले को हम बीच में से कट करेंगे, ये देखिए। अगर हम सीधे सीधे गोले को कट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट कटता है, ये देखिए। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो चाकू को यहाँ से हम निकालने के बाद अगर साइड से घुमाते हुए गोले को कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा, ये देखिए। अब हम इसके पीस बना लेंगे, तो एक में से हम 2 पीस करेंगे। छोटे छोटे पीस बनाने से गोला बहुत ही आसानी से छिल जाता है। तो हम एक पीस लेंगे, इसको हम आपको छिल कर दिखाएंगे, ये देखिए। इस तरीके से साफ चाकू से आप इस तरीके से छीन लें। ये देखिए इस तरीके से आप भी गोला छीन लें, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए। मैंने गोले का आपको एक पीस छील कर दिखा दिया है। तो चलिए जो बचे हुए गोले हैं उनको भी इसी तरीके से छील लेते हैं। जो बचे हुए गोले थे उनको भी हमने छील लिया है। अब हल्का सा इनको प्लेट में साइड करते हुए इसको हम बीच में से कट करेंगे। बीच में से कट कर देंगे तो जब हम इनके पीसेस बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीस बन जाएंगे, जिससे कि मिक्सी ग्राइंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड हो सके। आप चाहें तो इसको कद्दूकस में भी घिसकर ग्राइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने सारे इन टुकड़ों को जैसे बनाया है उसी तरीके से मैं जो बचे हुए गोले हैं इनका भी पीस बना लूँगी, टुकड़े बना लूँगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे गोलों को टुकड़े बना लिए हैं। अब इनको हम साइड में करेंगे, ये देखिए। प्लेट को हम साइड में करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे, तो मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसके अंदर हम गोलों को डालेंगे जो हमने पीस बनाकर रखे हुए हैं। तो ये देखिए, बस अभी हमें थोड़े ही गोले को डालकर ग्राइंड करना है। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोले का बुरादा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसको हमें पीसने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगी हैं और हमारा गोले का बुरादा बन गया है इस तरीके का, ये देखिए, बिल्कुल ऑयल फ्री है। और जो बचा हुआ गोला है उसको भी हम पीस लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, जो बचा हुआ है उसे हम बाद में पीसेंगे। तो चलिए इसको भी हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी पीस चुका है। हमें इसे पीसने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही लगी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए इसे हम प्लेट के अंदर डाल देते हैं। जो गोले के पीस बचे हुए हैं अभी ग्राइंड करने के लिए, उसे भी हम कर लेंगे। तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा गोले का बुरादा बनकर तैयार हुआ है। इसे स्टोर करने के लिए हमें करना यह है कि हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है,
और उसे अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद ढक्कन लगाकर उसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसे हमें बाहर नहीं रखना है, तभी ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं तो बाहर ख़राब भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूरी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गोले का बुरादा बनाकर रखेंगे, तो कभी भी आपको मिठाई बनानी है या फिर कोई रेसिपी बनानी है तो आप फटाफट निकालें और इसे इस्तेमाल करें, और जो बचा हुआ उसे फ्रिज में रख दें। तो आप इस तरीके से रखेंगे तो गोले का बुरादा कभी भी ख़राब नहीं होगा, और आप हर जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। गोले का बुरादा आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मार्केट के जैसे बनकर तैयार होता है, बल्कि उससे भी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आपके घर जो गोले होते हैं उनको आप इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार गोले का घर पर ज़रूर बुरादा बनाकर देखें, यह आपको मेरा गोले का बुरादा बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा तरीका कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।